वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक दियारी। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा HTML फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा और लगभग मैं अपनी HTML को 2 से 3 वीडियो में कवर कर लूंगा, सारी चीजें 2 से 3 वीडियो विद प्रैक्टिकल। तो ये जो आपकी वीडियो होने वाली है बिल्कुल फाइनल वीडियो होने वाली है, आप सीधे एग्जाम में जाके लिख सकते हैं, तो एक फाइनल टच भी हम इसको कह सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी करने वाले ये हैं, 10-12 दिन हमारे पास हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम डेली 1-2 वीडियो बनाएं और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करके अपडेट कर दें। ठीक है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसका फाइनल रिवीजन या लास्ट मिनट रिवीजन नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, तो उसके अंदर ये वीडियो होंगी 8-10 वीडियो। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य इसमें यह है कि आप यहां पर अपने एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर पाओ। ठीक है, ये उनके लिए भी है जिनको कुछ नहीं आ रहा है या जिनको थोड़ी बहुत आ रहा है और बहुत सारे डाउट हैं, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, तो मैं उन चीजों को उठा रहा हूं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो HTML का सबसे अच्छा खासा वेटेज है, तो HTML सबसे ज्यादा सीखेंगे। ठीक, तो आप यहां से अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं और जिनको ज्यादा नॉलेज है वो पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखेंगे हम सीखेंगे सब कुछ, तो आपने स्टार्टिंग से देखना है एंड तक, तो कम से कम समय लूंगा और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दूंगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा एजेंडा आज का ये है कि हम सीखने वाले क्या हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे आज HTML। ठीक है, तो HTML में हम देखेंगे कि व्हाट इज HTML, ठीक है, हाउ कैन वी सेव, और दूसरा हम देखेंगे टैग्स, HTML के टैग्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, एजेंडा में आपका लिख देता हूं यहां पर, फिर हम देखेंगे फॉन्ट, फिर हम देखेंगे हेडिंग। ठीक है, हम देखेंगे इमेज टैग को कैसे लगाते हैं, हम देखेंगे लिंक कैसे बनाते हैं, हम देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हम देखेंगे बोल्ड, हम देखेंगे इटैलिक, अंडरलाइन, और हम देखेंगे SUB सब कहते हैं और SUP ये देखेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं ये सब, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ये सारी चीजें। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि HTML है क्या। तो भाई HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज होता है फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, जो भी आप कंटेंट इंटरनेट पर देखते हैं वो वेब पेजेस हैं। ठीक है, एक वेब पेज, दो पेज, जब मल्टीपल वेब पेज बनते हैं तो एक वेबसाइट बन जाती है, तो HTML यहां पर यूज होती है। और जो HTML का यूज है वो स्केलेटन के लिए है, मतलब आपके स्ट्रक्चर के लिए है। ठीक है, तो आप ज्यादा डीप पर जाओ, स्केलेटन के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए या ढांचा बनाने के लिए यूज होता है HTML का। तो ये पर्पज हमारा है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम HTML को लिखें कहां पर। तो अब जिसके भी पास कंप्यूटर है तो उसके पास नोटपैड जरूर होता है, वो इंस्टॉल नहीं कराना है, आपके सिस्टम में इनबिल्ट आता है, तो आपने क्या करना है, सर्च करना अपने सिस्टम में नोटपैड। ठीक है, तो ये मिल गया है नोटपैड, सिंपल, तो नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो हमारे यहां पर एक टारगेट और होना चाहिए, हमने सीखना है कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कभी कभी 2 नंबर में आता है, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है, मिनिमल स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो ये भी सीख लेते हैं कैसे होता है। देखो मिनिमल स्ट्रक्चर क्या है, देखो HTML जो भी लिखी जाती है ये टेक्स्ट के अंदर लिखी जाती है, किसके अंदर लिखी जाती है, टेक्स्ट के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, एंकर ब्रैकेट भी कहते हैं और टेक्स्ट भी हम इसको कहते हैं ये। ठीक है, ये जो आप ग्रेटर और लेस के लिए लगाते हैं इनको यहां पर क्या कहते हैं, टैग कह देते हैं, सिंपल भाषा में टैग, और टेक्निकली हम इसको क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो जो भी काम आपका HTML में होगा वो टैग्स के अंदर होगा, विदाउट टैग यहां पर कुछ भी नहीं होता है। और एक बात और, वो क्या है, HTML में टैग होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, इट मींस हम नहीं क्रिएट कर सकते, यूजर नहीं बना सकता है कोई भी टैग। ठीक है, तो प्री डिफाइंड है, पहले से हमको मिले हैं, उठाना है यूज कर देना, उठाना है यूज कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो हमारी बात क्या थी, मिनिमल स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो नहीं भी लिखा है ना वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो मिनिमल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो जो भी लिखना है टैग के अंदर। तो और एक चीज और ध्यान रखना है, HTML को कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो दोनों चीजें सेम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, फिर हम बनाते हैं हेड, फिर हम लिखेंगे टाइटल,
ठीक है। और टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया वेब पेज, ओके ठीक है। और टाइटल को क्लोज कर देंगे, दो टाइप के टैग होते हैं, जैसे टैग ओपन होता है तो क्लोज भी होता है, तो हम इसको कर देंगे क्लोज, ओके ठीक है। और फिर इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, हेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद से हमारा बॉडी क्लोज हो जाएगा, सॉरी बॉडी ओपन हो जाएगी हमारी, और बॉडी में आपका आ जाता है कंटेंट, जितना भी आप कंटेंट जो विजिबल है वो कंटेंट आता है, जो विजिबल कंटेंट है जो आप दिखाना चाहते हैं उसको हम बॉडी में लिखेंगे। फिर हम क्या कर देते हैं, बॉडी को क्लोज, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं, HTML को क्लोज, ठीक है। ये क्या है, हमारा मिनिमल स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये ध्यान रख लेना जरूर, या जरूर से भी जरूर, कि आपको मिनिमल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या लिखा है, HTML हेड, फिर टाइटल स्टार्ट हुआ, फिर टाइटल दे दिया हमने कुछ भी। अभी टाइटल कहां पर दिखाई देता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, वेब पेज लिखा गया है तो ये कहां पर है, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट हुई, फिर यहां पर वो कंटेंट है जो विजिबल है, जो दिखाना चाहते हैं अब यूजर को, ठीक है। वो कंटेंट हो गया, कंटेंट बहुत सारा हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है, 10 लाइन भी हो सकता है, 100 लाइन भी हो सकता है। देन बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। यार अब इतना हो गया, फिर आप पूछोगे कि सर इसको सेव कैसे करते हैं, हाउ कैन वी सेव द HTML फाइल। कुछ नहीं करना है, आपके पास फाइल है और यहां पर आप जाएंगे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आप HTML फाइल का एक नाम देंगे, मैंने लिखा फर्स्ट पेज हमारा डॉट HTML, ठीक है। यहां पर क्या लिखा, सेव एज टाइप, इसको ऑल फाइल कर दो। और इसकी लोकेशन कहां जा रही है, डेस्कटॉप। आपकी लोकेशन अगर डेस्कटॉप नहीं जा रही है तो मेक श्योर कर लेना कि वो डेस्कटॉप जा कहां रही है लोकेशन, फिर आप परेशान होते हो सर हमारा फाइल नहीं दिख रहा है, फोल्डर नहीं दिख रहा है, तो वो देख लेना यहां पर आप लोकेशन पर अपने सिस्टम में भी, ठीक है। तो सेव करेंगे और हमारा जो फाइल क्रिएट हो जाएगा वो कहां क्रिएट हो जाएगा, डेस्कटॉप में दिख रहा है ये, ब्राउजर पे जो HTML रन होती है वो ब्राउजर में रन होती है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो क्रोम है, ठीक है। तो इसको ऑन करता हूं, ओपन करता हूं, देखते हैं कंटेंट विजिबल आ रहा है। देखो जो ये आपका है ना ये वाइट वाला एरिया, ये सब क्या है, बॉडी एरिया है। तो जितना भी आप कंटेंट विजिबली कराना चाहते हैं उसको आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे। देखो टाइटल जो है आपका टॉप में आया हुआ है, ये वेब पेज दिखाई दे रहा है ना, ये आपका टॉप में आया हुआ है, तो कंटेंट वहां है जो आप वहां पर यूज नहीं कर सकते उसको, तो कंटेंट टॉप में आता है, टॉप लेफ्ट में, ठीक है। ये कंटेंट है, ये क्या है आपका, ये आपका टाइटल हो गया, ये सारा का सारा आपका कंटेंट है। ये एक लाइन भी हो सकता है, 10 लाइन भी हो सकता है। तो हम सीखे क्या कि HTML कहां लिखनी है और इसको सेव कैसे करना है। तो पहुंचते हैं अगले टॉपिक में। अच्छा HTML के बारे में हम थोड़ी सा चीजें जान गए हैं। दूसरी बात है यार टैग्स, टैग्स कितने टाइप के टैग्स होते हैं, तो मैं नोट्स भी थोड़ी थोड़ी सबके लिए बनाते चलता हूं इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ी सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ओके। तो हमारे जो टैग होते हैं, टैग टैग्स टू टाइप के टैग होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग। पहला कौन सा होता है, पहला होता है एम्प्टी टैग, ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, और दूसरा आता है आपका कंटेनर टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग क्या होते हैं, सरल भाषा में एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिनको क्लोजिंग की नीड नहीं होती है, डू नॉट नीड टू क्लोज। अब एग्जांपल आप पूछेंगे, इसमें होता है पहला HR, BR, ठीक है, ये क्या होते हैं एम्प्टी टैग होते हैं, LI, ये सब क्या होते हैं एम्प्टी टैग होते हैं। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनको नीड्स टू बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैं लिख देता हूं नीड्स टू बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिन टैग्स को क्लोजिंग की नीड नहीं होती है बस ओपन करके छोड़ दो वो टैग क्या कहलाते हैं एम्प्टी टैग, और जिन टैग को हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं ऐसे टैग को हम क्या कहते हैं कंटेनर टैग कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, कंटेनर टैग तो बहुत सारे हैं, जैसे HTML था
ओपन भी किया था मैंने अभी, क्लोज भी किया था। हेड टैग था, ओपन भी किया था, क्लोज भी किया था। टाइटल टैग था, ओपन भी किया था और क्लोज भी किया था। बॉडी टैग था, ओपन भी हुआ था, क्लोज भी हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही सारे हैं। ठीक है, तो सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ओके, अच्छा भैया अगला क्या है? एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है अभी समझाता हूँ। एट्रीब्यूट मतलब होती है आपकी कोई भी चीज की विशेषता। अगर आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, विशेषता क्या हो गई? ठीक है, जैसे विशेषता का मतलब हुआ कि यार हर एक आदमी की अपने अपनी क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी का मतलब कि यार जैसे हम ह्यूमन हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो उड़ नहीं सकते हैं, तो हमारी क्वालिटी नहीं है, दिस इज नॉट आवर एट्रीब्यूट। तो ऐसे ही हर एक टैग का एक एट्रीब्यूट होता है। तो बॉडी टैग का भी एक एट्रीब्यूट होगा, हेड टैग का भी एक एट्रीब्यूट होगा, टाइटल का भी एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो हर एक टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, मींस एडिशनल उसकी जो क्वालिटीज हैं वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे ये जो बॉडी है, जो मेरा ये ब्राउजर पर बॉडी चल रही है ये, ठीक है, जहां कंटेंट विजिबल दिख रहा है, इसका बॉडी है, व्हाइट वाला पार्ट जो भी है सारा बॉडी है। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है? इसका रेड है, सॉरी बैकग्राउंड कलर कैसा है? व्हाइट है, दिख रहा है सभी को बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं बॉडी के बैकग्राउंड कलर को, तो क्या करेंगे हम? बॉडी टैग पे जाएंगे, ठीक है, बॉडी टैग पे जाएंगे, हम लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने उस कलर का नाम लिख दिया है, मैंने लिख दिया है ब्लू। ठीक है, ओके, सेव करते हैं। अच्छा, जब भी हम काम करेंगे क्या करेंगे हम, फिर से इसको कंट्रोल एस, कंट्रोल के साथ एस भी कर सकते हैं, फाइल के अंदर सेव भी कर सकते हैं, ये सेव पे दबा सकते हैं, और फिर से हम उस ब्राउजर को ओपन करेंगे जहां वो खुला था, और इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस या रिलोड दिस पेज, रिलोड दिस पेज जरूर करना, रिलोड दिस पेज, रिलोड दिस पेज किया तो आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो गया है ब्लू, समझे? तो इसमें क्या हुआ, आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर बदल गया। दिस इज द कैपेबिलिटी या दिस इज द क्वालिटी ऑफ बॉडी टैग, क्योंकि वो उसका एट्रीब्यूट है। अगर मैं बॉडी के कलर से ये कह दूं कि आधा कलर रेड हो जाए आधा व्हाइट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका पूरा का पूरा कलर क्या हो गया है, आपका बदल गया है। तो जो बॉडी का पहला एट्रीब्यूट निकल के आया वो क्या था, बीजी कलर। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखना, कभी भी आप जब एट्रीब्यूट को लिखते हैं, एक तो पहला रूल क्या है, एट्रीब्यूट रूल, ठीक है, एट्रीब्यूट रूल ये है, सपोज आप बॉडी का एट्रीब्यूट लिख रहे हैं तो ये बॉडी टैग है, ठीक है, बॉडी हो गया, तो इसमें अगर आप जब भी लिख रहे हैं एट्रीब्यूट, जैसे मैंने एट्रीब्यूट वहां यूज किया बीजी कलर, बीजी कलर ये एट्रीब्यूट का नेम हो गया, और इक्वल टू जो उसकी वैल्यू लिखेंगे आप वो हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे, ब्लू लिखिए, ग्रीन लिखिए, रेड लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो जो आप बॉडी का एट्रीब्यूट लिखेंगे वो तरीका ये है, बॉडी उसी टैग के अंदर बीजी कलर, ये इसका एट्रीब्यूट का क्या है, नेम है, और जो वैल्यू होती है वो हमेशा सिंगल डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में ही आती है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा मत कर देना कि यहां पर आप लिख रहे हो बीजी कलर, भैया आप कहां लिख रहे हो उसको, टैग से बाहर लिख रहे हो, तो यहां पर कोई विशेषता काम नहीं करेगी, तो विद इन ए टैग यूज होगा तभी वो कुछ दिखाई देगा, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी का पहला एट्रीब्यूट जो निकल के आया वो क्या आया, बीजी कलर। अब दूसरा क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब इसका एक दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट इक्वल टू मैंने लिख दिया व्हाइट, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का कलर था वो कैसा था, ब्लैक था। अगर हम इसको व्हाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो अब इसको मैं फिर से रीलोड करूंगा पेज को, ये कलर कैसा आ गया टेक्स्ट का, अब कैसा आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। अब क्या ये व्हाइट जितना भी बॉडी में लिखा जाए वो सब पे एप्लीकेबल होगा या एक कंटेंट विजिबल पे होगा, देख लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, हेलो क्लास 10, ठीक है, सेव करते हैं और इसको रीलोड करके देखते हैं, आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है भाई। इसका मतलब क्या है कि जितना भी बॉडी में लिखा जाएगा उन सब का टेक्स्ट कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो कभी कभी आप चाहते हैं कि हमारे जो पेज में लिखा जाए वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए,
तो आपको करना क्या है, बॉडी में आप एट्रीब्यूट ऐड कर दीजिए टेक्स्ट नाम से। तो अगर ऐसे ही जैसे करते हैं तो आपको सारे का सारा कलर चेंज होके मिलेगा। ओके अच्छा अगला और चलते हैं। यार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बैकग्राउंड में कलर लगा है, क्या एक इमेज लग सकती है, क्या एक इमेज लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। तो देखते हैं इमेज। तो आपने व्यवस्था क्या करनी है, आपने व्यवस्था ये करनी है कि आपने एक बैकग्राउंड के लिए एक इमेज रख लेनी है अपने डेस्कटॉप में। ठीक है, डेस्कटॉप में क्या रख लेनी है, एक इमेज रख लेनी है। तो मैं भी एक इमेज रखने की कोशिश कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक इमेज है, यहां से उठाता हूं मैं और इसको यहां पर रख देता हूं। ठीक है, तो ये मग नाम की एक इमेज है। अब क्या करूंगा, अगर सपोज मुझे यहां पर बीजी कलर ना लगाते हो, क्या लगाना है, इमेज लगानी है बैकग्राउंड में। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इमेज का नाम। अब इमेज का नाम कहाँ से लाएं भैया, ये बड़ी टफ बात है। तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, इमेज पर राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज पर चले जाना, इमेज का नाम है MUG मग, और उसका एक्सटेंशन देख लेना, इसका क्या है एक्सटेंशन, .jpg। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को इतना याद हो गया है, मैं इधर गया और मैंने लिख दिया MUG। ठीक है, .jpg, शायद ये स्मॉल में होगा बिकॉज इमेज का नाम वहां पर स्मॉल है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको। देखो आ गया है ना, बैकग्राउंड में इमेज लग के आ गई है। अब आपको कहोगे सर ये 3 बार कब क्यों आया, इस पर सवाल नहीं उठाना है क्योंकि ये इमेज है छोटी, अगर ये छोटी होगी तो ये रिपीट होगी, तो बात की बात है, इसको अभी हमने नहीं सीखना है। हमारा कंसर्न अभी इतना है, फोकस इतना है कि यार इमेज कैसे लगाएं बैकग्राउंड में। तो वो टैग से लग सकते हैं, किसकी हेल्प से, एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो हमने सीखा क्या, फटाफट से यहां पर लिख के आपको बता देता हूं, हमने सीखे बॉडी के एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट था हमारा बीजी कलर, दूसरा एट्रीब्यूट था हमारे पास टेक्स्ट, और तीसरा एट्रीब्यूट जो आपको मैंने सिखाया वो था बैकग्राउंड, फॉर बैकग्राउंड इमेज, फॉर बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो एजेंडा देखते हैं अपना, हमारा अगला क्या है, तो फॉन्ट। अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इसको कर देते हैं स्किप थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम। अच्छा हेडिंग सीखते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है और मस्त चीज है, आराम से सीख सकते हैं। ओके अब यार पहला सवाल आता है हेडिंग। हेडिंग कितनी हेडिंग होती हैं आपके पास, होती हैं 6 हेडिंग्स। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पक्का आता है, ध्यान देना। हेडिंग 6 होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। आप कहोगे भैया ये हेडिंगों का क्या काम है, क्यों इतनी हेडिंग, 6 हेडिंग, और H1 क्या है और H6 क्या है। एक चीज यहां पर लिख देता हूं, H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग। कभी कभी एक नंबर में डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H1 एंड H6, तो आप बता सकते हैं H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज द लीस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट मतलब बड़ी, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, तो इनका जो क्रम होगा H1 सबसे बड़ी होगी, H2 H1 की कंपैरिजन में छोटी होगी, H3 H2 और H1 की कंपैरिजन में छोटी होगी, H4 H3 H2 H1 की कंपैरिजन में छोटी होगी, H5 H4 H3 H2 H1 की कंपैरिजन में छोटी होगी, H6 इन सब की कंपैरिजन में छोटी होगी। तो यार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो और करना क्या चाह रहे हो, हमको ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा, हम लिख लेते हैं H1। ओके एक चीज और, नई लर्निंग यहां पर आप सीखोगे। देखो आपको कोई भी कंटेंट अगर विजिबल कराना है अपने पेज में, अगर कोई भी कंटेंट आपको विजिबल कराना है अपने पेज में, तो आप ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही कंटेंट को लिखेंगे। क्या, अगर आप कोई भी कंटेंट को विजिबल कराना चाहते हैं अपने वेब पेज में, ठीक, तो आप ओपनिंग टैग
और क्लोजिंग टैग के बीच में ही कंटेंट को लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना है, 2, 3, 4, 5, 6 और इनको बदल देता हूँ 2। आजकल इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, एक जैसे विजुअल स्टूडियो बोर्ड अगर HTML करना है मस्त है, तो ये आपके बच्चों के लिए मैंने अभी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं क्रिएट करें तो तब इसमें सिखा रहा हूँ, नहीं तो उसमें तो बहुत जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। तो H5 H6 तो सेव कर, अच्छा 16 हो गया भैया, ऐसा तो होता ही नहीं है, तो सेव करते हैं, सेव कंट्रोल के एस, कंट्रोल के साथ एस भी कर सकते हैं, और रन करने के लिए क्या करना है, इसको क्या कर देना है, रीलोड। ओहो आ गया, दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा ना, ये वाला हेलो सबसे बड़ा है, ये वाला जो हेलो है पहले वाले से छोटा है, ये वाला हेलो सेकंड से और फर्स्ट से छोटा है, ये इनसे भी छोटा है, ये वाला इनसे भी छोटा है, और ये वाला सबसे छोटा है। तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, उनका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं, क्या भैया ये सारे के सारे यूज करने हैं एक साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक की नीड है तो आप एक यूज करो, दो की नीड है तो दो यूज करो, तीन की नीड है तीन यूज करो, छह के छह आपको यूज नहीं करने हैं, तो ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और आपको ये बात समझ में आ गई, इफ यू वॉन्ट टू शो द कंटेंट इन बॉडी पार्ट, तो आप क्या करेंगे, राइट द कंटेंट इन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक। ओके, क्लियर होगा, इतना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अच्छा अब सिखाने का समय आ गया है फॉन्ट, फॉन्ट फॉन्ट को सीखते हैं, फॉन्ट क्या है। अच्छा, आपने कहा सर कि ये जो ना यहां लिखा गया है हेलो, सर इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, हमें इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लगा, इसका साइज भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है, और इसका कलर भी हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो मैंने कहा भैया आपके पास क्या है, देखो बॉडी में से मैं पहले सबसे पहले ये बैकग्राउंड इमेज हटा रहा हूँ और मैं इसमें बीजी कलर ही यूज करना चाहता हूँ, तो वो मैं लिख लेता हूँ ब्लू लिख लेता हूँ क्योंकि व्हाइट कलर लगा। ओके, सेव कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने कहा जी मुझे फॉन्ट टैग का यूज करना है, फॉन्ट टैग का यूज करना है, तो मैंने कहा कि फॉन्ट टैग को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, फॉन्ट टैग, टैग की जब बात आ रही है तो एंकल ब्रैकेट आएगा ही आएगा, फॉन्ट लिखा, मेरे को क्या करना है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, तो मैं साइज लिख देता हूँ, मैंने इक्वल टू लिख दिया, मैंने इसमें डाल दिया है 20px। ये px क्या होगा, ये px क्या, इसका एक मेजरमेंट का तरीका है, आप ज्यादा ध्यान मत दो ये इंच में है फुट में है किसी में भी है, px से लिखा जाता है बिकॉज इसका क्या है, स्टैंडर्ड है, जैसे हम वजन किस में करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में करते हैं, तो किलोग्राम हमने यहाँ पर एक मेजरमेंट का एक तरीका है, ठीक है। और हम फॉन्ट को कंटेंट विजिबल के बाद क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप इतना। तो सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ सारी बातें आपको। अगर आप देखेंगे कंटेंट विजिबल का साइज बढ़ गया है बेबी, ठीक है, तो ये किससे हुआ, फॉन्ट की मदद से हुआ। क्या लिखा है, फॉन्ट साइज 20px, अगर मैं इसको 25 कर देता हूं तो देखते हैं क्या होता है, ये होगा, इसको पहले रीलोड कर लेना, रीलोड जरूर करना, हमारा उधर सेव नहीं हुआ क्या, अच्छा हो नहीं रहा है, ठीक है चलो छोड़ देते हैं। तो ये देखो इतना साइज आपका बढ़ गया है, ठीक है, तो ये क्या था, फॉन्ट का साइज था जो इतना हो गया है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये हेलो क्लास 10th में क्यों नहीं लगा, ये हेलो क्लास 10th पे एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ, तो इस बात को समझते हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपको जो दिमाग में आ रहा है। देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने किया ये है कि फॉन्ट का जो साइज लगा रखा है वो कितने एरिया पर लगाया है, बस कंटेंट विजिबल पर लगाया है। अगर मैं ये फॉन्ट का टैग हेलो क्लास 10th के बाद से क्लोज कर देता, क्या अगर मैं ये फॉन्ट क्लोजिंग टैग हेलो क्लास 10th के बाद से क्लोज कर देता तो ये काम कहां दिखता, हेलो क्लास 10th में भी दिखता। तो आपको रन करा के दिखा देता हूं, देख सकते हैं कंटेंट विजिबल हेलो क्लास 10th दोनों का साइज अब क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर से लर्निंग क्या निकल के आई, लर्निंग ये आई भैया कि जितने एरिया पे हम फॉन्ट को
क्लोज कर रहे हैं, जहां पर हम क्लोज कर रहे हैं तो वो उतने एरिया पे एप्लीकेबल होगा। देखो इसको यहां पर थोड़ी सी समझाता हूं, लिख के समझाता हूं आपको, ज्यादा मजा आएगा। देखो सपोज मैंने लिखा है यहां पर हेलो, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा है हाई। सपोज मेरा फॉन्ट टैग यहां से स्टार्ट हुआ, अच्छा मैं स्मॉल लिख दे रहा हूं तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। फॉन्ट का साइज मैंने क्या लिख दिया यहां पर, 20 पिक्सल लिख दिया है, पीएक्स लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर फॉन्ट को क्लोज कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं फॉन्ट को यहां पर क्लोज कर देता हूं, इसकी बाउंड्री कितनी होगी, इतनी तो बाउंड्री हुई, तो ये हेलो पे एप्लीकेबल होगा, हेलो पे अप्लाई होगा और किसी पर अप्लाई नहीं होगा। इन केस मैं फॉन्ट को यहां से हटा के अगर मैं यहां पर हेलो हाई के बाद क्लोज करता हूं, ठीक है, तो ये हेलो और हाई दोनों पे एप्लीकेबल होगा। बस कहने का मेरा आशय इतना है कि जिसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे फॉन्ट टैग को या कोई भी टैग को, वो उतने एरिया पे आपको उसका वर्क दिखाई देगा, उतने एरिया में उसका प्रभाव दिखाई देगा, अदर पे नहीं दिखाई देगा। तो फॉन्ट के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, पहला एट्रीब्यूट आपने देख लिया है साइज, और दूसरा इसका एक एट्रीब्यूट और होता है फेस। अब आप कहेंगे फेस क्या है, फेस मतलब चेहरा नहीं, ये होता है इसका क्या, जैसे आपके फॉन्ट का टाइप होता है, ठीक है, स्टाइलिंग कह सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं आपने कहां से लाने हैं, आप यहां फॉन्ट पर चले जाओ, ये फॉन्ट के नेम्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला नाम उठा लिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पर मैं फेस में पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, ये कॉल्ड एम्प्टी, तो सेव करता हूं और आपको इसको दिखाता हूं रन करके। ये देखो कंटेंट विजिबल हेलो क्लास 10, मतलब आपकी क्या फेस की फॉन्ट क्या जो फेस है उसकी स्टाइलिंग क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट का साइज हो गया, फेस हो गया, और हम फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं। तो कलर मैंने यहां पर रख दिया है थोड़ी देर के लिए रेड, आ गया रेड भी आ गया। तो देखो अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर नीचे का कंटेंट व्हाइट है ऊपर का रेड है, क्योंकि हमने ऊपर वाले में फॉन्ट एट्रीब्यूट का यूज किया है, और जो हेलो में व्हाइट आ रहा है वो इसके वजह से आ रहा है, वहां पर रीजन ये है क्योंकि हमने बॉडी में जो टेक्स्ट का कलर कर दिया है वो व्हाइट कर दिया है, ठीक है। तो फॉन्ट समझ में आ गया होगा, आ गया होगा बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या क्या कवर हो गया है, देखो HTML कवर हो गया है, टेक्स्ट कवर हो गया है, एट्रीब्यूट कवर हो गया है, फॉन्ट हो गया है, हेडिंग हो गया है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं इमेज, IMG टैग, IMG और लिंक, ठीक है, पहले देखते हैं IMG टैग। IMG टैग क्या होता है, IMG टैग बहुत ही सिंपल सी चीज है। इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट ए इमेज इन ए वेब पेज, क्या कह रहा हूं, इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट ए वेब पेज, इंसर्ट ए इमेज इन ए वेब पेज, अगर यदि आप अपने पेज में एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। सपोज आप यहां पर बैकग्राउंड में नहीं, यहां पर एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करें, तो बहुत ही सरल सी बात है। तो हमारे पास जो टैग है वो टैग होता है IMG, और इसका एट्रीब्यूट होता है SRC, सोर्स कहां से आ रही है, तो मेरे पास वही इमेज होगी mug.jpg, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं सेव और हम इसको करते हैं रन, और रीलोड जरूर कर लेना। ओहो आ गई, देखो आ गई, बैकग्राउंड में नहीं आ रही है, आपके पेज में इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IMG टैग। तो IMG टैग की मदद से आप अपने पेज में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इमेज थोड़ी बड़ी है, इसको छोटी कर दीजिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, आपने बताना है और हम करके दिखा देंगे। कैपिटल लिखते हैं, फिर आप कहेंगे कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, स्मॉल क्यों लिख रहे हैं, विड्थ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आपने लिख देना है 50px, ठीक है, ओके। देखते हैं क्या होता है, क्या है ये, देखो बहुत छोटी हो गई। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने कहा सर इसकी हाइट भी बढ़ानी है, करके दिखाइए, तो हमने कहा दिखा देते हैं। तो हमने ले लिया है 170 पिक्सल, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा यहां पर हम इसके साथ प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो कुछ और है, हमने आपको सिखाना है, फिट करके नहीं दिखाना है कि भाई इतनी बड़ी इतनी छोटी होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट और होता है ALT, इसका काम क्या है, ALT मतलब है अल्टरनेट,
मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं, इमेज इज नॉट फाउंड, ठीक है। अब देखो मैं कुछ गड़बड़ करता हूं, मैंने यहां पर इमेज का नाम गलत डाल दिया, एम यू जी ई डाल दिया है, देखो यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काम क्या है आपका, ऑल्ट क्या है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, जब आपकी इमेज नहीं दिखाई देती है तब आप इसका टेक्स्ट देख सकते हैं, बट ये आया नहीं है, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। ओहो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो छोड़ो, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब इमेज दिखाई देती है, देखो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है पता नहीं। ये ALT का यूज ये है, जब आपकी इमेज नहीं दिखाई देती है, ठीक है, जब इमेज का पाथ कुछ रॉन्ग होता है, नहीं दिखाई दे रही है, तो आपका ये कंटेंट दिखाई देगा। ओहो दिखाई देती, हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ता है चीजों को, ठीक है, आप भी नहीं बता रहे हो। देखो अभी हमारी इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो क्या दिखाई दे रहा है, कंटेंट दिखाई दे रहा है। अभी हमारी इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो दिखाई क्या दे रहा है, कंटेंट दिखाई दे रहा है। अगर अभी इमेज का पाथ वगैरह सब सेट है तब क्या होता है, तब होता ये है कि भैया आपकी इमेज दिखाई देगी, कंटेंट नहीं दिखाई देगा। अल्टरनेट का मतलब है कि जब वो चीज नहीं आ रही है तो दूसरी चीज आपके वहां पर वर्क करेगी, दैट्स इट। ओके अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसमें से, अभी लिंक को छोड़ रहा हूं थोड़ी, अभी मैं आपको दो तीन चीजें सिखा रहा हूं। एक सिखा रहा हूं बोल्ड, बोल्ड मतलब डार्क होना, जैसे ये वाला टेक्स्ट आपको बोल्ड नहीं दिख रहा है टेबल, और ये अगर मैं लिख रहा हूं तो ये बोल्ड दिख रहा है, मतलब बोल्ड मतलब डार्क। इटैलिक मतलब हल्का तिरछा, आई यू मतलब अंडरलाइन, एस यू बी और एस यू पी सब और सुप, ठीक है, सब और सुप, सुपर जैसे आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर क्या है, सुपर है, और अगर मैं लिख रहा हूं एच टू ओ तो ये क्या है, सब है, मतलब टू कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऐसा भी आपको कभी कभी लिखना होता है। तो पांच चीजें कवर करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एसयूवी एसयूपी। तो फटाफट से लेक्चर को बाइंड अप भी करना हमारा उद्देश्य है, चीजों को बहुत लंबा नहीं हमने खींचना है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा हेलो दुनिया, ठीक है, सब गलत, सब गलत, कैपिटल कैपिटल, हमने हमने लिखना है हेलो दुनिया, सेव करते हैं और इसको हम करते हैं रन, तो आ रहा है हेलो दुनिया लिखा हुआ। अच्छा ठीक है सर, हम इसको क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो भैया आप ये करो, आप ये करो, इधर आप क्या लिख दो, बी लिख दो, और इधर आप बी को क्या कर दो, क्लोज बी कर दो, नो डाउट, ठीक है, सेव करते हैं और हम इसको देखते हैं। तो देखो हेलो दुनिया क्या हो गया है, बोल्ड हो गया। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, इटैलिक, तो वही करेंगे आई, ठीक है, बहुत ही आसान है यार, HTML इटैलिक आई, तो शुरू आई से ही हो रहा है ना, सेव, और फिर से हम इसको क्या करते हैं रन, देखो तिरछा भी हो गया। अब हम इसको क्या चाहते हैं कि अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, तो हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और यहां पर आप यू लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, ये देखो आ गया ना, अंडरलाइन भी आ गया, अंडरलाइन भी आ गया, ठीक हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। और अच्छा दूसरी चीज हम सीखते हैं क्या, एसयूबी और एसयूपी, ठीक है, तो एसयूबी और एसयूपी के लिए फॉर्मूला ही लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए, अब मुझे जो टू है वो कहां चाहिए, ऊपर चाहिए, ए स्क्वायर बनाना है, तो इसमें यहां पर मैं टैग यूज करूंगा क्या, एसयूपी, और यहां पर लिख दूंगा टू, ठीक है, और इसको क्या कर दूंगा भैया, क्लोज, क्योंकि मुझे इसका काम इतना ही चाहिए, ए स्क्वायर टू चाहिए ऊपर, प्लस नहीं चाहिए मुझे ऊपर, मुझे टू ऊपर चाहिए, तो मैं इसके बाद इसको बंद कर दूंगा। अगर मैं यहां पर इसको बंद कर देता हूं तो इससे होता क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी, इसका जो वर्क है वो क्लोज हो गया है, क्लोजिंग का मतलब फाइल अब बंद हो गई है, वो अपना कोई यहां पर फंक्शनैलिटी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, प्लस हमने लिख दिया बी, और हम यहां पर क्या लिखते हैं, एस यू पी, ठीक है, और फिर से लिखेंगे टू, और यहां पर हम लिखते हैं एस यू पी, ठीक है, सेव करते हैं और हम इसको रन करके दिखाते हैं। ये देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आप चाहते हो कि सर हमें नई लाइन पे चाहिए, तो ये भी मैंने आपको सिखाना था, ये भी मैंने आपको सिखाना था, तो इसके लिए आप यूज करोगे बी आर, बी आई आर फॉर
ब्रेक द लाइन या ब्रेक द रो, तो हम क्या लिखेंगे टैग के अंदर बी आर। मैंने आपको बताया था एक ऐसा टैग है एम्प्टी टैग है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देखते हैं देखते हैं। देखो आ गया ना स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे, तो बी आर किसके लिए यूज होता है फॉर न्यू रो फॉर न्यू लाइन। हेलो दुनिया को भी अगर नीचे करना है तो आप क्या करेंगे आई एम जी के बाद क्या लगा देंगे आप बी आर टैग का हम यूज कर लेंगे। ठीक है आ गया, हेलो दुनिया भी नीचे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नीचे आ गया। ओके अब हमारा अगला टारगेट है क्या एच टू ओ। देखो अगर आप देखोगे एच तो नॉर्मल है टू नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे एस यू बी को टैग में लिखेंगे एस यू बी टू, ठीक है स्लैश एस यू बी और ओ, ठीक है सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। देखो क्या रहा है एच टू ओ, अगर नई लाइन पर चलाना है तो क्या करेंगे भैया आप करेंगे बी आर, तो बी आर फॉर न्यू लाइन। तो यहां पर से आपको ये भी याद हो गया बी आर क्यों लगाना है, ठीक है तो बी आर का भी हमको यूज आज पता चल गया। एक टैग और होता है बच्चों एच आर, कंटेंट विजिबल के बाद में लगाना चाहता हूं एच आर। यार ये क्या है ये क्या है देख लेते हैं। देखो मैंने लिखा एच आर फॉर हॉरिजेंटल रो सेव, और इसको करते हैं हम रन, आ गई है एक लाइन फॉर एच आर। एच आर मतलब हॉरिजेंटल रो, अगर आप हॉरिजेंटल रो कहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। दूसरे इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, दो एट्रीब्यूट होते हैं क्या, पहला होता है विड्थ, तो मैंने कर दी 50 पिक्सल, सेव करते हैं और इसको हम ये देखो 50 पिक्सल में ये छोटी हो गई, और इसका साइज अगर मुझे लगाना है तो मैं साइज भी इसका लगा सकता हूं। साइज मैंने लगा दिया है 40 पिक्सल, देखो ठीक है, मतलब साइज में क्या हुआ ऐसे ये वर्टिकली थोड़ी सा चौड़ी हो गई है, और साइज में ऐसे जो पूरी पेज में फैल रही थी उसे छोटी हो जाती है विड्थ से, ठीक है। तो एचआर भी समझ में आ गया है, बीआर भी समझ में आ गया है, बोल्ड आ गया है, टैलिक आ गया है, अंडरलाइन आ गया है, ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई है। यार लिंक, अभी मैंने आपसे कहा था ना लिंक सिखाऊंगा, तो लिंक क्या है, लिंक बहुत सरल सी चीज है, बहुत सरल सी चीज है। देखो यहां पता है लिंक, ठीक है लिंक पढ़ना है अभी हमने, लिंक बोल्ड भी हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, एसयूपी हो गया, एसयूपी हो गया है, और यहां पर मैंने आपको एचआर भी कराया और बीआर भी मैंने आपको करा दिया। अच्छा हमारी दो ही चीजें बची हैं लिंक और टेबल, बहुत जल्दी से खत्म करने वाले हैं। लिंक क्या है, देखो लिंक क्या होता है, कभी कभी आपको लिंक पर जैसे लिखा होता है नो मोर, ठीक है ज्यादा जानकारी के लिए इस पर क्लिक करें, आप जैसे ही नो मोर पर क्लिक करते हैं तो आप कहीं दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग या लिंक, ठीक है। तो बनाते हैं लिंक, हाउ कैन वी क्रिएट द लिंक। लिंक क्रिएट करने के लिए आपको जो यूज करना होता है वो ए टैग, ए टैग ठीक है, एंकर टैग कहते हैं जिसको, तो मैं लिखता हूं ए ए एच आर ई एफ इक्वल टू हाइपर लिंक, किससे होना है, किस जगह से आप इसको जोड़ना चाहते हैं। ओके दिखाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं मैं आपको, समझाता हूं क्या करना चाह रहा हूं मैं। ठीक 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 ठीक, देखो जैसे एक ये मग वाला वेब पेज है, देखो इसको सी करता हूं कॉपी और यहां पर कर दिया पेस्ट, नहीं हुआ ठीक है। देखो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं अगर सपोज मैं अपने लिंक पर दबाऊं तो मैं ये वाले पेज पर आ जाऊं, मग वाले पेज पर आ जाऊं, कॉफी मग वाइट कॉफी मग ऐसा लिखा हुआ है तो ये दिखाई दे मुझे, ठीक है मैं इसको बंद कर देता हूं अभी, समझ गए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये, पहले इसका एक्सटेंशन देख लेता हूं, इसका नाम देख लेता हूं, प्रॉपर्टीज पर जाना जब हमेशा mug.html नाम का ये पेज है, ठीक है तो मैं हाइपर लिंक क्रिएट करने जा रहा हूं। मैंने क्या लिखा ahref, यहां पर आप उस फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम है mug.html ठीक है, और यहां पर आप वो लिखेंगे क्लिक ऑन दिस बटन, ठीक है क्लिक ऑन दिस बटन, तो आपने लिखा स्लैश ए, क्योंकि टैग को बंद भी तो करना है, अच्छा टैग जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी से उसको क्लोज भी करना, ठीक है तो ये हो गया। ठीक है मैंने क्या लिखा ahref mug.html, मतलब मैं लिंक पर क्लिक करूं तो मैं कहां पहुंचूंगा mug.html, क्लिक ऑन दिस बटन, तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो सेव और हम इसको करके देखते हैं रन,
लिंक बना या नहीं बना। सबसे पहला देखो क्या आ रहा है, क्लिक ऑन दिस बटन, लिंक बन गया है क्योंकि हाथ का निशान आ रहा है। ठीक है, करते हैं क्लिक और ये फाइल खुल गई। ठीक है, आपका लिंक क्रिएट हो गया, समझ में आ गया। तो आप ऐसे अपना लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आसान सी विधि है। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं था। ए एच आर ई उस फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन, अगर इमेज पर पहुंचना होता तो उस इमेज का नाम और इमेज का एक्सटेंशन, और क्लिक ऑन दिस लिंक कुछ भी लिख लो, या नो मोर, सी मोर, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पर मेल का लिंक बनाना चाहते, फटाफट से बता देता हूँ, मेल का लिंक अगर आप यहाँ बनाना चाहते तो एच आर ई एफ ए एच आर ई एफ आपको यहाँ पर लिखना होता। ठीक है, और इक्वल टू आप यहाँ पर क्या लिखते, मेल टू, एम ए आई एल टी ओ, मेल टू, और फिर आप लिखते कोलन और उस पर्सन की मेल आईडी। मैंने लिख दिया abc@gmail.com। तो आप किसी का मेल लिंक बनाना चाहते हैं, मेल लिंक, तो उसके लिए यहाँ पर काम करेगा। पेपर में आया हुआ है कि मेल लिंक कैसे बनाते हैं, तो ए एच आर या मेल टू, एम ए आई एल टी ओ, और मेल लिंक जो मेल आपकी है @gmail.com, मेल लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है क्या है, टेबल। देखो मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा फॉर्म्स। ठीक है, इसके लिए सेपरेट बनाना पड़ेगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में जो लेके आ रहा हूँ आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ फॉर्म्स, ऑडियो वीडियो टैग, ऑडियो और वीडियो टैग। तो जुड़े रहो, और उसके नेक्स्ट में मैं आपको ले लेके आ रहा हूँ CSS, कि CSS क्या है, कैसे लिंक कर सकते हैं इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर आराम से बताऊंगा। तो तीन वीडियो में मैं आपकी HTML पूरी की पूरी कवर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट सब समझा देता हूँ। टेबल, या टेबल क्या होता है, टेबल यही तो होती है हमारी, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ये टेबल है एक। ठीक है, इस टेबल को अगर आप देखेंगे, ये जो आपका है पहला रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। जो ऐसी लाइनें होती हैं इनको हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, ये कॉलम आपका वन हो गया, ये टू हो गया कॉलम, ये कॉलम थ्री हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर देता तो इसको हम कॉलम फोर कह देते। ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन ये है, हॉरिजेंटल लाइन को हम रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब जब हम टेबल बनाते हैं तो हमको टेबल टैग का यूज करना होता है, टेबल टैग का यूज करना होता है। दूसरा आता है हमारे पास TR, एक TR टैग आएगा, वो आता है रो के लिए। यहां पर मैं आपको अलग से समझा दे रहा हूं, TD आएगा आपका कॉलम के लिए। ठीक है, ठीक, ओके। तो आपको मैं बेसिक सी एक टेबल बनाना सिखा देता हूं फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे भैया, हम लेंगे टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग के अंदर मैं सबसे पहले क्या लूंगा, देखो एक चीज का ध्यान दो, जब भी आप टेबल बनाते हो पहले क्या आ रहा है इसमें, पहले क्या आ रहा है इसमें, पहले क्या आ रहा है इसमें, एक रो आ रही है, फिर रो के बाद बन रहे हैं ना ये कॉलम, पहले क्या आ रही है, एक रो आ रही है, फिर रो के बाद बन रहे हैं कॉलम। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, TR। ठीक है, तो मैं लिखूंगा TR, और अब इस TR के अंदर कितने TD चाहिए, मतलब कितने कॉलम चाहिए, तो मैं लिखूंगा TD, मैंने लिखा यहां पर नंबर वन TD। मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, ज्यादा इस पर समय बर्बाद नहीं करता हूं। दो तीन TR, तो सेव करके आपको रन करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3। अब आप कहोगे सर ये तो कोई टेबल का स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे टेबल का बॉर्डर। हमने क्या लगाया, बॉर्डर इक्वल टू 5 pixels। ये देखो टेबल पे एक बॉर्डर आ गया है नीचे। ठीक है, टेबल पे एक बॉर्डर आ गया है, आ गया है।
अच्छा, मैं ऊपर का कंटेंट हटा देता हूँ क्योंकि जो दिक्कत हो रही है देखने में हो रही है थोड़ी सा। रिफ्रेश करा, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। टेबल पे एक बॉर्डर लग गया है। अगर आप इसकी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये टेबल की क्या है, एट्रीब्यूट है भाई साहब। एट्रीब्यूट हाइट इक्वल टू हमने लिख दिया 100 पिक्सल, बड़ा वर्थ हमने कर दी है। वन फिफ्टी पिक्सल, ठीक है इतना ही रखते हैं अभी। देखो हाइट और विड्थ बढ़ गई। तो मेरा क्या है, यहां पर आप देखेंगे आपने टेबल टैग लिया, टेबल लिखा, ये इसके एट्रीब्यूट ऐड कर दिए, तो आपने टी आर के अंदर कितने टी डी लगाए, 3 टी डी लगाए। तो मतलब एक रो के अंदर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, अगर इस कोड को उठा के फिर से मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं, नंबर बदल देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 4, यहां पर लिख देता हूं 5, और यहां पर मैं लिख देता हूं 6, तो सेव करके दिखाता हूं और आपको रन करके दिखाता हूं कि क्या आ रहा है। ये देखो क्या कर रहा है, दूसरी टी आर में मैंने 3 टी डी लगाए, 4 5 6। तो यहां पर से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो टी आर है वो रो के लिए काम करता है और जो टी डी है वो कॉलम के लिए काम करता है। दैट्स इट। यहां आप कोड को देख सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत बड़ा मत समझो इस कोड को। ठीक है, टी आर मतलब रो, ठीक है, और ये जो टी डी है, एक टी आर के अंदर कितने भी टी डी आ सकते हैं। तो TD1, TD2, TD3, और फिर मैंने TR क्लोज कर दिया क्योंकि मैं 3 कॉलम के बाद कोई कॉलम नहीं बनाना चाहता हूं, तो मैं रो को क्या कर दूंगा, क्लोज। अगर आप इसके बाद से फिर से रो बनाना चाहते हैं तो TR फिर से 4 5 6, तो आप ऐसे कितना भी नंबर ऑफ रो और कॉलम बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात यहां पर नहीं है। 7 8 9, तो सेव करके दिखाता हूं, देखो आ गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये इसकी हाइट और विड्थ को आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं फटाफट से, तो बहुत बड़ा इशू है नहीं ये कोई। तो ये सेव नहीं हुआ गया, ये हो गया। ठीक है, तो देखो आज ने हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या सीखा। अच्छा, मैं यहां पर कुछ चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, टेबल के लिए मैं रो स्पेन और कॉल स्पेन को छोड़ रहा हूं अभी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टार्टिंग से सिखाऊंगा क्या, क्योंकि बहुत अभी ज्यादा सिखा दिया है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, रो स्पेन और कॉल स्पेन। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम ये सीखेंगे, देन हम वो फॉर्म वगैरह सीखेंगे। तो आज हमने सीखा क्या क्या, आज हमने सीखा यार HTML क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, ये सब सीखा। टैग सीखे दो टाइप के, कंटेनर और एम्प्टी टैग, ठीक है। एट्रीब्यूट सीखे हमने कोई भी टैग के, फॉन्ट टैग सीखा हमने, हेडिंग सीखी H1 to H6, आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। IMG टैग सीखा, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, लिंक टैग सीखा, टेबल सीखी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन SUP SUP और HRBR, ये सारी चीजें आज हमने सीखी। तो गाइस ये था आज का, नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल को आपके लिए एक अलग वीडियो आएगी जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रो स्पेन कॉल स्पेन, देन हम सीखेंगे फॉर्म ऑडियो वीडियो, फिर एक अगली वीडियो होगी CSS के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।